पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोग कल कई दिन जावत राधा तत्व के बारे में श्रवण कर रहे थे। यथादिनी शक्ति स्वरूपिणी स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के सर्वोत्तम प्रकार के सुख आदि प्रदान करती है, सुख देती है। और कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं जो हैं समस्त लीला की सहायिका भी कहा जाता है, सहायिका में असिस्ट करते हैं। लीलादिनी सार अंश तार नाम प्रेम आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। कृष्ण सच्चित आनंद का सच्चिदानंद विग्रह सत से सत्ता चित से ज्ञान और राधिनी से आनंद प्रकाशित हुए। ये सच्चिदानंद में कृष्ण के तीन रूप वही बताते जा रहे। ये कृष्ण स्वरूप अभिन्न स्वरूप शक्ति सच्चिदानंदमय कृष्णर स्वरूप अति स्वरूप शक्ति हय तीन रूप। यह स्वरूप शक्ति तीन रूप में प्रकाशित हो रहा है। आनंद अंशे राधिनी, सद अंशे संधिनी, चित अंश संबीत जारी ज्ञान करी मानी। कृष्ण के आनंद दे नाम ह्लादिनी, जो कृष्ण के ह्लादि तति जोइचन नाम ह्लादिनी से शक्तिदारी कृष्ण सुखे आश्वादी आपने कृष्ण सुख कृष्ण रूप सुख कृष्ण रूप सुख रूप कृष्ण करे सुख आस्वादन भक्त सुखे दीते राधिनी कारण। स्वयं कृष्ण राधिनी शक्ति के द्वारा आनंद रस आस्वादन करते हैं और भक्तों के भी आनंद रस आस्वादन कराते हैं। ह्लादिनी सार अंश तार नाम प्रेम आनंद चिन्मय रूप रसेर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी सेई महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी तैर उभरेर मध्ये राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूप अयं गुणई रति बरीयसी। ये सब कथा कई बार हम लोगों ने आलोचना किया है। ये समस्त है ये मध्य लीला अष्टम परिच्छेद राजमंदिर संवाद से राधा तत्व के बारे में
वर्णन हो रहा है। ये प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित कृष्णे प्रतिष्ठ जगति विदित संग प्रेम की स्वरूप संग श्रीमती राधिका। स्वरूप और देह में कोई भेद नहीं है, जैसे कृष्ण के कहा जाता है देह देही भेदा नास्ति। कृष्ण के देह और देही में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार श्रीमती राधिका यानी स्वरूप और उनकी देह एक ही वस्तु कहा जाता है। और संपूर्ण रूप से कृष्ण प्रेममय रूप में प्रकाशित होते हैं। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित कृष्णेर प्रेय से पृष्ठ जगते विदित। जैसे काल हमने भी कहा था ये मई शब्द प्रेममयी है, कृष्ण प्रेममयी कृष्ण प्रेममयी राधा अंतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहा इष्ट स्फुरे। अर्थात सर्वत्र श्रीमती राधिका कृष्ण ही दर्शन करती है, कृष्ण छोड़कर के और कुछ उनकी दर्शन नहीं होते, देख नहीं पाते। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ जहाँ पर उनकी दृष्टि जाती है सभी में कृष्ण स्फूर्ति हो जाती है। तमाल वृक्ष के देख करके कृष्ण उद्दीपन हो जाते, तमाल वृक्ष के देख करके श्रीमती राधिका उसे आलिंगन करती है। आमा भ्रमे त्रमाल तमाली करे आलिंगन, कृष्ण कह रहे श्रीमती राधिका के हृदय में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और तमाल वृक्ष के देख कर ही बस आलिंगन करना शुरू कर दिया। मैंने सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण में ही तन्मय होकर के रहती है। इसी कहा जाता है महाभाव की सर्वोत्तम स्थिति कहा जाता है। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित कृष्णे प्रेयसी श्रेष्ठ जगति विदित। से महावय चिंता मनीषार कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्य तार। वह महाभाव कैसे चिंतामणि के सार कहा गया और कृष्ण वांछा पूर्ण करे एक कार्यता। कृष्ण के सर्व प्रकार की इच्छा को राधा पूरा करती है। कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बहाने। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखितार काय गुहरू। राधा जी के पुनः स्वरूप क्या बता रहे हैं, महाभाव चिंतामणि। जैसे चिंतामणि किसी के प्राप्ति हो जाए मिल जाए तो उसके सभी कुछ प्राप्ति हो जाती, चिंता करने से ही सब कुछ मिल जाता। इसलिए कह रहे हैं ये महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप। ललितादि सखितार काय काय बहरो। संग श्रीमती राधिका फिर कृष्ण की इच्छा
भावों की पूरा करने के लिए सखियों के रूप में भी प्रकाशित हो रहा है। ललिता आदि ये अष्ट सखियाँ जो है, इनको भी राधा से अभिन्न कहा जाता है, राधा से भिन्न नहीं है, स्वयं राधा जी ही ललिता सखी के रूप में ही प्रकाशित हुए। इसलिए कह रहे हैं ये ललिता दिशा की तार काय बुह रूप है, एक ही वस्तु जब भिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं उसकी कहा जाता है काय बुह कहा जाता है। जैसे स्वयं राधा जी ही ललिता सखी के रूप में प्रकाशित हो रहे और कृष्ण के वो समस्त लीला आदि रस लीला रस आस्वादन करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर करें ये कृष्ण की साक्षात जो है प्रणय की घन मूर्ति विग्रह कहा गया है। कृष्ण प्रणय की घन मूर्त विग्रह श्रीमती राधिका कहा जाता है। प्रणय किसको कहा जाता है? देह मन आत्मा की जहाँ पर अभिन्नता होता है, कोई भिन्न नहीं रहता, उसी की कहा जाता है प्रणय कहा जाता है। परस्परानु स्नेहानुबंधनम, एक दूसरे के प्रेम के द्वारा ऐसे स्नेह के द्वारा ऐसे बंधित होकर रहते हैं और दर्शने अतृप्तता जितने भी दर्शन करते हैं और उतना ही दर्शन की इच्छा और भी बढ़ जाती है। अतृप्त अतृप्त सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और भी दर्शन करने हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था किसी के यदि वो संदीप क्या बोले एक बुखार हो जाता है जब फीवर होता है संदीपन बुखार में क्या सन्निपात सन्निपात बुखार कहा जाता है। क्या बताए सन्निपात बुखार, उस बुखार में केवल पानी पीने के लिए तरसते रहते हैं, बुखार इतने बढ़ जाता है 105 डिग्री तक हो जाए 106 डिग्री तक हो जाता है, इसके ऊपर तो नहीं होता है ना 106 डिग्री तक बुखार हो गए, इतने तेज बुखार हो जाए और उस समय उनके गला सूखता रहता है, पानी पिलाओ, किंतु इस अवस्था में रोगी के जो है पानी पिलाया नहीं जाता है, किंतु पानी पी लिया तो मर जाएगा। किंतु देखो उस समय वो पानी पीने के लिए इतने तड़पता रहता है, आज मुझे पानी पिलाओ, गला सूख रहे, तब उसके क्या किया जाता है, एक बूंद पानी उनके जिया में दिया जाता है और जब एक बूंद पानी देते और भी प्यास बढ़ जाता है, सन्निपात बुखार के सूखा इतने खत्म। ठीक उसी प्रकार कृष्ण दर्शन करके हृदय में इतने और भी ललसा जग जाता है और भी देखते रहो दर्शन करते रहो और ऐसे ऐसे लगता है मैं कभी कृष्ण के दर्शन किया ही नहीं है। जैसे कथा सुन श्रीमती राधा जी निवृत निकुंज कुंज में कृष्ण से साथ मिल करके बाहर आ रही थी और बाहर के दरवाजा पर स्वयं ललिता देवी खड़ी हुई थी,
ललिता देवी राधा जी को कह रही हैं, ललिते तुम कुछ कृष्ण के रूप वर्णन करो, वर्णन करो है? राधा जी रो पड़ी, हे ललिते तुम यदि कभी हमारे प्राणकंत गोविंद के दर्शन किया देखा तो उनके रूप वर्णन करो है? वो टांग वाल टेढ़ी टांग वाली कैसे है? इस तरह ब्रज की भी कीर्तन है, सुंदर सुंदर भाव वर्णन होते रहते हैं। राधा जी कहती है मैं तो कभी देखा ही नहीं तब जीवन में कृष्ण के दर्शन नहीं किए है। ललिता देवी कह रही अरे बाबरी अभी तो दर्शन करके, अभी तो कृष्ण से मिल करके आ रही है। कृष्ण हमारे चंडीदास कीर्तन में सही केवा सुनाई रो सैम नाम काने रो भीतर दिया मोर में पोसी लोगो आकुल कोरी रो पड़ा। बोले कृष्ण दर्शन तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण नाम श्रवण करते ही गोपियां तो मूर्छित हो जाती, राधा जी मूर्छित हो जाती कभी कभी। बोले कृष्ण नाम में इतनी मधुरता जो है क्या वर्णन की जाए, ना जानी सैम नामे अच्छे कत मधुरी कानेर भितरे दिया मर्मे बसिल आकुल करिल पराण। करिए ये कृष्ण नाम गोविंद नाम कर्ण के कुहर में छेद में आकर के अंदर में आ जाता है और हृदय विगलित हो जाते हैं, द्रवीभूत हो जाते हैं। कानेर भितरी दिया मरमे पसिल आगुल आकुल करिल पराण है। नाम की इतनी महिमा बताते जा रहे, क्योंकि नाम सक्सत प्रेम स्वरूप रस स्वरूप नाम चिंता मन कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम 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 में कोई भेद नहीं है, है? साक्षात कृष्ण ही वहां पर प्रकट हो जाए। इसलिए राधा जी कह रही मैं तो गोविंद के भी दर्शन नहीं किए। इसलिए प्रणय की जब हम स्नेहमान पुनराग अनुराग की विवाह हम जब रक्षा करते हैं अनुराग की लक्षण हो जाता है परस्परानु स्नेहानुबंधन और दूसरी दर्शन अतिरिक्त। और उसमें कृष्ण नवैनवान रूप में भी प्रकाशित होते हैं, नित्य नवान रूप में प्रकाशित हो रहा है, इस जगत में संभव नहीं है, है? इसलिए यहां पर कह रहे हैं कृष्ण प्रेम की मूर्त विग्रह ये साक्षात श्रीमती राधा राधा जी है। उन मानसिक भाव आदि जो है अपने मन की जो भाव है वर्णन करते जा रहे हैं। मानसिक कायिक अंग प्रत्यंग आदि कृष्ण प्रेम की एक अद्भुत शोभा धारण कर लेते हैं। इसलिए ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। इसे ही महाभाव है चिंता मणिसार कृष्ण वंश पूर्ण करे यही कार्यता महाभाव चिंता मणि राधार स्वरूप ललिता आदि सखितार काय बहरो। ये ललिता आदि समस्त सखियां कृष्ण से श्रीमती राधिका से अभिन्न कहा और भावों की जो प्रकाश कराते रहते। ये ललिता सखी और कोई नहीं, राधा जी की कृष्ण के प्रति जो ललित भाव जो है वो साक्षात ललिता के रूप में प्रकट हुई है, माधुर्य तो प्रकाश करते हैं, चित्त के अनुरंजित करते रहते हैं। ये समस्त जो है विवरण
श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वलमणि ग्रंथ में सखी प्रकरण में बहुत सुंदर रूप में इसको वर्णन किया गया है। इसलिए उज्ज्वलमणि अध्ययन बिना जब तक नहीं पढ़े इसे समझ नहीं आएगा। ललित भाव किसको कहा जाता है, इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद एक एक श्लोक आदि उदाहरण के द्वारा समझाया है। ललिता विशाखा सुदेवी रंगदेवी सब श्रीमती राधिका ही एक एक मूर्त रूप में प्रकाशित हो, यही तक ये तक भी जितने मंजरियां जो है ये क्या है, स्वयं राधा जी के एक एक भाव मूर्ति के प्रकाश विग्रह कहा जाता है। रूप मंजरी राधा जी के रूप की साक्षात मूर्तमान प्रकाश विग्रह रूप मंजरी रति मंजरी है। कृष्ण बुद्धि रति जो उसके साक्षात मूर्तमान होकर के रति मंजरी के रूप में प्रकाशित है। चित जगत में उनकी एक नाम के साथ उनकी क्रिया आदि एक ही रहता है, इस जगत में संभव नहीं है। आंख नहीं है, नाम रखा है कमल ने आज में गुण और गुणी में यहाँ पर भेद हो जाता है, किंतु चित जगत में जिसको जैसे नाम होती है सखियों के जैसे नाम होते उस नाम आदि के साथ उनके रूप गुण लीला आदि सब एक ही रहता है। अच्छा जैसे रमन मंजरी का लिया है, रमन विहार आदि जो कहा गया है, रमन शब्द के अर्थ होते क्या विहार कहा जाता है। प्रेम की जहाँ पर विहार होती है वो साक्षात वही विहार व रमन के मूर्तमान होकर प्रकाश हो जाती है। इसलिए उस मंजरी की क्या कहा जाता है, रमन मंजरी कहा जाता है। अनंग मंजरी, अनंग माने अप्राकृत दिव्य प्रेम काम जो है वो साक्षात रूप में मूर्तमान होकर प्रकाश हो जाता है। वो है क्या नाम हो गया, अनंग मंजरी है, राधा जी की छोटी बहन अनंग मंजरी है। कितने सुंदर ये सब वर्णन करते जा रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ऐसे सुंदर सुंदर भावों की व्यक्त करते हैं, हम जिसको अनुमान नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते है। और एक एक सखी अपने भावों की उद्दीपन कराती है राधा जी, जैसे राधा जी के जब स्नान आदि कराती है और स्नान आदि करा करके राधा जी के जो वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण कराती है, एक एक सखियाँ अपने भाव के अनुसार राधा जी के श्रीअंग में वो अलंकार आदि धारण कराती है और उसी के कृष्ण के प्रति जो प्रेम जो उसके उद्दीपन कराती जाती है। ये समस्त वर्णन है कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत ग्रंथ में वर्णन कर दिए और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन किया है। आज इसे ही कहा जाता है सखियों की विशेष एक महत्व कहा जाता है, नाम के साथ ही साथ उनकी गुण क्रिया आदि एक रहता है।
इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं कायिक अतंग मानसिक भाव कायिक अंग पतंग वेश आदि समस्त कृष्ण प्रेम की एक विशेष शोभा व भूषण रूप में प्रकाशित होता है भाव भूषा आदि। इसलिए कहते हैं नानाविध अलंकार करे जलमन परिमन विमोहन बदन उज्जवल विशाखादि सखीगण नाना रगे गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डोला। कितना सुंदर भाव है सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर है कमल मंजिल इतने सुंदर भाव वर्णन करते जा रहे। भाव तो वही वर्णन करे कर सकते हैं जो साक्षात रूप में राहे की सेवा करने वाले वर्णन उसकी सौंदर्य माधुर्य हो जाता है जो साक्षात रूप में दर्शन किया साक्षात में स्पर्श किया साक्षात में सेवा आदि कर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में जितने भी कथा बोलते जा रहे वो साक्षात में सेवा उसको देख रहे लीला आदि दर्शन कर रहे हैं और बोलते जा रहे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भाव में इतने अभिष्ट हो गया भागवत में अनेक श्लोक में एता शब्द कह करके वर्णन करें धन्नास मुड़ो हिरण्य एता शब्द होता है साक्षात दर्शन करें उंगली निर्देश कर मैंने उस लीला को जो है दर्शन कर रही है कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको वर्णन करते जा रहे लीला में अविष्ट होते जा रहे हैं किंतु लीला में अविष्ट होते से वर्णन नहीं हो पाएगी तेरा है जो देख रहे हैं उसकी बोल रहे हैं। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध में संजय देख रहे हैं और उसको देख करके उस कथा को धृतराष्ट्र के वर्णन कर रहे सुना रहे हैं है? व्यास प्रसाद ही ना व्यासदेव की कृपा से उन्होंने वो समस्त लीला को दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करके बता दिया है। यही दिल्ली हस्तिनापुर से अयोध्या कहाँ पर हो रहे कुरुक्षेत्र कितना किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है तो कैसे दर्शन किया इसलिए कहते हैं व्यास प्रसाद ही ना है साक्षात व्यासदेव की कृपा प्राप्ति करके साक्षात वो दिव्य नेत्र से दर्शन करें है। आज इसलिए कथावाचक तीन प्रकार होता है एक जो साक्षात रूप में दर्शन करके बोल रहे हैं है ये उत्तम कोटि के कथावाचक जैसे सुखदेव गोस्वामी पाठ है और दूसरी क्या है श्रवण किया कुछ अनुभव किया श्रवण अनुभव के द्वारा कुछ बोलते जा रहे हैं और तीसरी क्या है जैसे शास्त्र अध्ययन किया उसके अनुसार बोलते जा रहे हैं भले उसको अनुभव हो अथवा नहीं हो है। और चौथा एक होता है वो अपने मनमनी ढंग से बोलते जा रहे कोई शास्त्र के साथ कोई संबंध नहीं है तत्व सिद्धांत नहीं है जैसे मन में आए ऐसे बोल दिया है उधर पिंडी उधर घड़ी समझते हैं जैसे मन में बस कल्पना करके जो होता है इधर के थोड़ा ले लिया उधर के थोड़ा ले लिया उधर के ले लिया अपना कुछ ले लिया बोल दिया बस बोल दिया किसी के सिर किसी के पैर और किसी के हाथ लेकर के एक समन्वय कर दिया समन्वय कर दिया वो अरे वो ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी वर्णन होते जा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं देखो राधापति कृष्ण से स्नेह सुगंधि उद्वर्तन ताते सुगंधि देह उज्ज्वल वरन कृष्ण प्रणय की मूर्त विग्रह श्रीमती राधे के वर्णन हुए राधापति कृष्ण स्नेह
सुगंधि उद्वर्तन, शरीर की उज्ज्वलता प्रकाश करने के लिए एक प्रकार है, उद्वर्तन जो है शरीर पर प्रलेप किया जाता है, प्रलेप लगाया जाता है, उसी कहा जाता है उद्वर्तन कहा जाता है। आप बाजार में जाओ उसका आपको मिलेगा है उद्वर्तन है। कई प्रकार जो है जड़ी बूटियां जो है उसके पीस करके है उसके प्रस्तुत की जाए, उसे शरीर पर लगाने पर शरीर की सौंदर्यता माधुर्यता माधुर्यता कमनीयता है प्रकाशित हो है। विशेष करके जो है विवाह के समय उसके लगाया जाता है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर हो गया, मेकअप करके सब आ जाते हैं है। आजकल क्या करते हैं, मेकअप कर लेते हैं, किंतु भारतीय संदेश विवाह आदि के समय वो स्नान कराया जाता है वर वधु के उपटन लगाया जाता है। आज ये समस्त विधान है, कुमकुम अगुरु चंदन है आदि के साथ वो एक प्रकार जड़ी बूटियाँ मिलता है उसके पीस कर और शरीर पर लगाया जाता है, उज्ज्वलता प्रकाश हो गया है। क्यों, उस समय तो ब्यूटी पार्लर नहीं था है। आजकल भी गांव में भी है, गांव में भी है ये उपटन लगाया जाता है, उसके स्नान कर विवाह के समय है ये सब लिखा गया। विवाह एक विवाह करने में 3-4 दिन लगता है, रात एक बस 2 घंटे में विवाह हो गया चलो है। वास्तव जो होता है उसमें अनेक प्रकार के विधि है, इसमें है स्नान आदि कराना है, पहले उपटन आदि लगाना, स्नान आदि कराना, उसके मंत्र आदि के द्वारा अनेक प्रकार विधिवत कहा जाता है। सत्क्रिया स्वाध्यापिका ग्रंथ में है विवाह विधि के दिखाया गया इसमें है। तो हम इस यहाँ पर भी कह रहे हैं ये राधापति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण स्नेह रूप आवाटा है माँ किया प्रथम व पूर्वान्न स्नान है। ये पर राधा के त्रिविध स्नान के बारे में वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहते राधापति कृष्ण से सुगंधि उद्वर्तन ताते सुगंध देह उज्ज्वल वरण है। चतुष्समा लगाया जाता है, चतुष्समा कहने से क्या क्या है, कुमकुम अगुरु चंदन और कपूर, ये तीनों के संग मिश्रण किया जाता है। अगुरु देखा कभी, ठाकुर जी की पूजा में अगुरु मिलता है, अगुरु केवल बंगाल छोड़कर कहीं नहीं मिलता है, नवद्वीप में मिलता है, इसलिए ठाकुर जी की जो अर्चन आदि करने के समय ये अगुरु किया जाता, स्नान के समय है। आज यह तो मैंने कई बार कह दिया, लोग कहीं अगुरु व्यवहार नहीं करते सर है आ जाएंगे, किंतु मथुरा में हम जो ठाकुर जी के जो अभिषेक करते हैं वह अगुरु ज्यादा देते है। और हर रोज ठाकुर जी के स्नान के समय भी अगुरु है यूज करते हैं। अगुरु अगुरु कुमकुम चंदन और कपूर इसको सम्मिश्रण करके है, और उसके साथ जो एक प्रकार जो जड़ी बूटियाँ मिलता है उसे पीस करके तब ये समस्त उद्वर्तन का है। आज कई प्रकार के शरीर में वो क्या बोले हल्दी है ना,
हैं, ट्यूमरिक जो हल्दी को पीस करके, कच्चा हल्दी को पीस करके तेल में पेस्ट करा करके शरीर पर लगाया जाए, हैं आसन, जो जितने काले हैं ना उसके बिल्कुल सफेद करा देंगे, हैं। तात्पर्य क्या, ना कृष्ण के प्रति जो करुणामृत स्नान पौगंड अतिक्रम करके प्रथम कैसर में जो प्रवेश होता है उसे कहा जाता है नवजौवन कहा जाता है। इस समस्त भी वर्णन है, ये भी धर्म पढ़ो, बहुत सुंदर से वर्णन है, नवजौवन, व्याप्त जौवन, पूर्ण जौवन, इस समस्त वर्णन क्या है, क्योंकि ये सब अध्ययन करने से हमें एक रूपरेखा प्राप्त होता है, स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण, कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, पहली स्नेह क्या बोले, करुणामृत धारक, करुणा कब होता है, दूसरे की दुख देख करके, कष्ट देख करके हृदय में जो अपूर्व एक करुणा के भाव उत्पन्न हो जाता है, दयाद्र भाव होता है, कंपैशन आ जाता है, उसी की कहा जाता है करुणामृत कहा जाता है। राधा जी छोटी थी, अभी मानो एक दो साल की बच्ची है राधा जी, टुमुक टुमुक करके मानो चल रही है, वो भी ठीक से चल नहीं पाए, डेढ़ साल दो साल की बालिका है, ठुमुक ठुमुक करके राधा जी चल रही है। विश्वभानु महाराज जी के साथ गौशाला में गए, गौशाला में, विश्वभानु महाराज ने क्या कि अपने छोटा बालिका को क्या कि गौशाला में रख, रख करके विश्वभानु महाराज गायों की जो मानो परिचर्या करने लगे। इतने समय राधा जी ने किया कि देखा क्या, एक नवजात बछड़े, अभी अभी मानो एक दो दिन के बछड़े जो है, बछड़ी है ना, और उसके पास जाकर के राधा जी ने किया कि उसको घास खिलाने लगी। वो अभी बच्चा जो है वो घास खाना नहीं जानती है, एक दो दिन की तो बच्ची है, घास खाना नहीं जानती। और राधा जी क्या करती है, वो घास दुब की घास होता है ना, लेकर के वो बछड़े के खिलाने लगे। और बछड़ी भी पता भी नहीं ये घास है कि क्या है, तो बछड़ी क्या कर रही है, अब ऐसे जीभ को निकाल दिया, राधा जी खिलाने लगे। किंतु देखो वो घास के, दुब की घास देखे ना, उसके जो अग्रभाग जो है वो सुई के भांति बहुत नकुली होता, नकीला होता है सुई के बाद, और देखो वो बछड़े के मुंह पर लगे, और लगने के साथ ही साथ उनसे थोड़ा खून निकलने लगे। राधा जी रो पड़ी, राधा जी रो पड़ी, अभी क्या कर राधा जी, और वो बच्चे को लेकर के अपने गोद में लेकर के रोना शुरू करे, उनके परिचर्या आदि करने लगे, तो इसी की कहा जाता है दूसरे की कष्ट देख करके अपने हृदय में जो करुणा की उद्रेक होता है व दया की उद्रेक होता है, उसी की कहा जाता है करुणा मृत का। ये कब होता है, फिर कह रहे हैं ये पौगंड अतिक्रम करके प्रथम कैशोर में जब प्रवेश करते हैं करुणाविशिष्ट नवजौवन में। यहाँ पर एक विशेष वैशिष्ट है, कृष्ण अथवा श्रीमती राधा की ये लीलाएं ही कहा गया, इसके तीन प्रकार की लीलाएं कहा जाता है, एक है मानव लीला, एक होता है देव लीला, और एक होता है महाराज लीला, महाराजपुत्र की लीला होती है। एक मनुष्य के बाद जो लीला होता है
उसे कहते हैं मानव लीला का सांदर रूप, साधारण रूप में है। राजलीला क्या है ना, बड़े खानदान के घर में होने के नाते शरीर बहुत पुष्ट होता है, है? एक साल के बच्चे को क्या दिखाई पड़ता है, पाँच साल जैसे दिखाई पड़ता है, पाँच साल के बच्चे को क्या दे, सोलह बारह चौदह साल जैसे दिखाई पड़ता है, शरीर बहुत पुष्ट होते हैं ना खा पी करके, है? अथवा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, है कि नहीं? विशेष करके आप पंजाब की तरफ जाए, है? बहुत सब लोग कैसे होते हैं, है? हिष्ट पुष्ट होते कि नहीं होता है, उनके उधार के क्या बोले, क्लाइमेट भी अच्छा है, है? 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 दूध घी ऐसे खा लेते सब मोटे मोटे हो, शरीर पर लंबे चौड़े भी होते हैं ना, है कि नहीं? पंजाब के लोग कैसे होते हैं लंबे जुड़े, पता नहीं आप लोग कैसे छोटे छोटे कैसे तुम पंजाबी हो नहीं हो कौन कहेंगे, हैं? हाँ, खाने पीन के, खान पीन के जब होता है हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ, और शरीर के रंग भी कैसे होते, गोरे होते सब, हैं? जगन्नाथपुरी में बिल्कुल घुसने नहीं देंगे, जगन्नाथ मंदिर में बोले तुम विदेशी हो, हैं? अब बात इसे ये कि नहीं, इसलिए कहा जाता है एक होता है महाराज लीला और एक होता है मानव लीला और एक होता है देव लीला, है? इसको समझना चाहिए। मानव लीला साधारण मनुष्य के भांति है हो जाए, इसे कहे मानव लीला, है? देव लीला किसको कहा जाता है, देवता अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण कर लेते हैं, है? इंद्र आदि जितने भी देव देवियां हैं स्वर्ग में रहने वाली अपने इच्छा के अनुसार सुंदर शरीर धारण कर, तो इसी प्रकार जो है राधा जी की इतने सुंदर जो वर्णन होते जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कृष्ण अभिलाष पूर्णकारी, पूर्ण करो महाभाव चिंतामणि, ये राधा जी की स्वरूप बता रहे हैं। और ललिता सखी, ललिता आदि सखीगण उनके कायभो स्वरूप प्रकाश विन्यास कहा जाता है, साक्षात में एक एक भावों के मूर्ति मूर्तिमान प्रकाश है। कृष्ण यहाँ पर जो कर रहे हैं कारुण्यमृत धाराएं प्रथम स्नान, कारुण्यमृत धाराएं स्नान मध्यम, लावण्यमृत धाराएं तदुपरि स्नान, इसलिए कृष्ण स्नेह के बारे में जो हमने व्याख्या की, कृष्ण के प्रति कैसे स्नेह आदि रख, उसी ये समझते थे कोरोना विशिष्ट नवजौवन, है? और दूसरी उदाहरण दे रहे हैं उसके समझाने के करें, स्नान तीन प्रकार होता है, प्रातः स्नान होता है और एक मध्यान्ह स्नान होता है और तीसरी सायंकालीन स्नान होता है आफ्टर सनसेट, है? आज हम लोग तो नहीं करते, आलसे हो गए सब, आलसे समझते पर ले जी, है? आज प्रातः काल में स्नान, मध्यान्ह काल में स्नान और सायंकाल, सायंकाल समझ गए आफ्टर सनसेट एंड ऑलमोस्ट सनसेट स्नान होता है। आज हम लोग घर में रहते तीन बार स्नान करते हैं, मन में आकर के एक बार स्नान करते हैं, पता नहीं वर्ड में ऐसी हो गया है। विशेष करके इस समय जो है तीन बार स्नान करते, मठ में आकर एक बार स्नान,
वो भी दोपहर के स्नान करते हैं। ये त्रिविध स्नान के बारे में क्या कह रहे हैं, तात्पर्य क्या है? एक करुणामृत, एक कारुणामृत स्नान, एक तारुणामृत स्नान और एक लावणामृत स्नान है। नवजौवन, व्यक्त जौवन और पूर्ण जौवन है। ये भी तात्पर्य क्या है? शरीर की सौंदर्य, माधुर्य, उज्ज्वलता प्रकाश करते हैं है? जितने सौंदर्य प्रकाश होते हैं, स्नान के तात्पर्य जो ही होता है, साधन जल के द्वारा हम स्नान करते हैं शरीर में क्या शीतलता, शरीर की शीतलता हो जाती है। स्नान हम लोग किस लिए करते हैं? शरीर के जो तापमान की जो है बोले संतुलन रखने के लिए स्नान के शास्त्र में विधि दिया गया है। आप एक दिन स्नान नहीं करो कैसे लगेगा? आपके मन अच्छा नहीं लगेगा है। किंतु जहाँ पर ठंडी देश है, तीन दिन चार दिन स्नान नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इसलिए ठंडी के देश में के लोग जो है स्नान बहुत कम करते हैं है। जैसे बर्फ में रहने वाले कहाँ पर, साइबेरिया आदि, यहाँ पर -20, -50 तक हो जाता है, तीन दिन चार दिन पाँच दिन के बाद स्नान आदि करते हैं है कि है। आजकल सभी स्नान करते हैं, क्योंकि सब जगह में तो गर्म पानी है, विज्ञान उन्नत हो गया है। ठंडी देश में तो स्नान में आनंद होता है, क्योंकि ठंडे पानी है ना है, अच्छा लगता है ना है। ठंडा पानी की उसको गर्म पानी आ जाता है तो गर्म ठंडी क्या बोले, गर्म पानी में स्नान करने से शरीर में गर्म गर्म आ जाता है। चलो इसलिए कह रहे थे यहाँ पर जो पोगुंड के अतिक्रम करके प्रथम कैसोर में जब प्रवेश करते हैं उसके सौंदर्य जो माधुर्य की सौंदर्य माधुर्य जो प्रकाशित होते हैं उसे कहा जाता है नवजौवन कहा जाता है। इस समय क्या होता है, करुणा विशिष्ट हो जाता है। करुणा किसको कहा, जिसे कि दुख देख करके अपने हृदय जो द्रवीभूत होता है उसी की कहा जाता है करुणा। इल्ला मरिशिला जीव गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं श्रीमति राधे की जो करुणा कब प्रकाशित हुई कृष्ण के प्रति है, उनके साथ जो प्रेम कब उत्पन्न हुआ, बोले जिस दिन माँ जसोदा बाल गोपाल को जो है रस्सी के द्वारा बांध दिया था और दूर से राधा जी मानो गोपाल को देख करके हृदय में करुणा की उद्रेक हुई है, ऐसे जीव को समय बात वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण माँ जसोदा गोपाल के जो बांध दिया दाम बंधन लीला के जो वर्णन होते जा रहे हैं और कृष्ण बिल्कुल एक निस्सहाय होकर के हेल्पलेस होकर के है और विराजमान है। उस समय कृष्ण के ऐसे सुंदर वर्णन हो रहा है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही है, देख है। और सारे गोपियां एक समस्त सब के भयभीत हो गए, महा जसोदा के ऐसे भाव देख करके सभी भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आए है। माँ जसोदा भी क्रोध से जाओ यहाँ पर रहो है, यहाँ पर रहो, जैसे कभी कभी माँ गुस्सा कर सास बहू यहाँ पर बैठे रहो है। उस समय बाल गोपाल है 2.5 साल के था वो और बाल गोपाल भी बिल्कुल निस्सहाय होकर के यहाँ पर है और ये समस्त छोटे छोटे गोपियाँ जो है देख रही है, राधा आदि गोपियाँ देख है, देख करके
ऐसे। और कृष्ण की उसी प्रकार भाव देख करके राधा जी के हृदय में क्या हुई, करुणा की उद्रेक हुई है, और वही प्रेम के रूप में आगे बढ़ने लगे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं पोगुंड ए हाँ, ठीक है, करुणा विशिष्ट जौवन दूसरी उदाहरण दे कहते हैं, जैसे प्रातः काल में स्नान कहाँ पर किया जाता है, कुएं के जल से स्नान होता है, कुएं है अथवा पोखर के जल में स्नान होते अंतर्गृह स्नान आदि का, ठीक यहाँ पर वही उदाहरण इसके उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी स्नान के है तारुण्यमृत धाराय स्नान मध्यम, तारुण्यमृत तारुण्यमृत तरुण कहा जाता है, तारुण्यमृत से व्यक्त जौवन है, इस समय एक एक करके उदाहरण के द्वारा समझा रहे जो राधा जी की नवजौवन कैसे है, व्यक्त जौवन किसको कहा जाता है और पूर्ण जौवन कैसे है। इसमें तो बहुत सुंदर भी वर्णन है उसके देह की शरीर की अंग प्रत्यंग आदि कैसे सुशोभित होते हैं है, ये समस्त वर्णन होता है। तदुपरि स्नान अपराह्न अपराह्न काल में जो स्नान उसके लावण्यमृत बार जो पूर्ण जौवन स्नान कायिक गुणों की जिस वयस रूप लावण्य त्रिविध स्नान का और इसके बाद क्या है लावण्यमृत हाँ लावण्यमृत स्नान ये है सायंकालीन स्नान कहा जाता है। लावण्य किसको कहा जाता है मुक्ता फलेषु छटा है, वो जो इफाल्जन जो निकालता है उससे क्या होते हैं प्रकाशित हो जाता है लावण्य कहा जाता है। लावण्य किसको कहा जाता है मुक्ता फल अंदर में जो छटा जो निकालते हैं उसके लावण्य कहा जाता है। शरीर की अंग प्रत्यंग इतने सुंदर रूप में विकसित हो जाता है और मानो शरीर की एक जो क्या बोल इफाल्जन जिसको हम कहते हैं और भी सुशोभित हो जाता है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे अंग कि जहाँ जैसे होने हैं ठीक उसी प्रकार उसके पूर्ण रूप से विकास विकसित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं त्रिविध स्नान वयस रूप गुण और लावण्य आदि प्रकाश होता है, उस इसलिए कह रहे हैं निजलज्जा निजलज्जा सांपटी परिधान कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिका वक्ष आच्छादन सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूर्तिने अंगे विलोपन, कितना सुंदर हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेमाम्भुज मकरंद स्तप में इसको भी वर्णन कर रहे हैं। संस्कृत में ये केवल बंगला में लिख दिया है प्रेमाम्भुज मकरंद स्तप स्तोत्र, कितना सुंदर नाम भी कैसे है प्रेमाम्भुज मकरंद स्तोत्र महाभाव उज्ज्वल चिंता रत्नोद्भावित विग्रहां सुखी प्रणय सद्गंध बड़ उद्वर्तन सुप्रभावम कारुणमृत बीची भी तारुणमृत धारय लवणमृत धवि स्नापितम ग्लपित ग्लपितेति निंदित राम श्रीपट्ट वस्त्र
गुप्तांगी सौंदर्य श्री संचयितम क्षेम उज्ज्वल कस्तूरी विचित्रित कलीवरम कंपाश्रु पुलक सीत स्तंभ सीद गदगद रक्तधार उन्माधु जड़ रत्न रत्न भृदुत्तम ये समस्त वर्णन होते प्रमाम्भोज मकरंद स्तोत्र में वर्णन किया है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिका एवक्षाच्छादन भाव उद्दीपन के लिए राधा जी की वस्त्र आदि उसी प्रकार धारण होते हैं। निज लज्जा श्याम पट्ट साठी परिधान रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नील वसना परिधान इसमें वर्णन हो रहा है राधा जी कैसे वस्त्र आदि धारण करते हैं। वस्त्र धारण करके भी कृष्ण उद्दीपन कराते हैं। इसे कहते हैं निज लज्जा स्वयं पट्ट साठी परिधान है। श्यामपट्ट सूत्र के द्वारा निर्मित नील साड़ी धारण करती है कृष्ण के उद्दीपन होता है। वसन दो प्रकार की कहा गया, एक है अधोवसन और एक उत्तरीय है नीचे का और ऊपर का। उत्तरीय आदि के धारण करके लज्जा रूपा अधोवसन लज्जा रूपा श्याम पट्टर पर निर्भर थे। द्वितीय अरुण वसन अरुण वर्ण धारण अरुण वसन के धारण करती है किसलिए न कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग है। ये अरुण वर्ण क्या है अनुराग की उद्दीपन होता है। पहले में कहा था अनुराग किसको कहा जाए जिसमें परस्पर स्नेहानुबंध के बंधित हो जाते हैं परस्परानु स्नेहानुबंधनम कृष्ण दर्शन अतृप्तता है। ये समस्त अनुराग के लक्षण है। इसलिए ये सब अरुण वस्त्र और प्रणयमान रूप कांचुली के द्वारा है राधिका अपने वक्ष देश आवृत करते हैं। राधा जी के कायिक गुण की वर्णन होती जा रही सौंदर्य कुमकुम है सखियों के प्रति जो है स्नेह है उसके चंदन के साथ तुलना दे रहे वहाँ सखियों के ऐसे सुंदर सुंदर मधुर वचन है चंदन के भांति सुशीतल कराते हैं। आज चंदन लगाते हैं ना जो चंदन लगाने वाले सखी के नाम ही है चंदनवती कहा जाता है। सखी का नाम क्या है चंदनवती। देखो उनके नाम ही के साथ क्रिया कार्य आदि वो भी करती है। वो मेरा ग्रंथ है मधुस्मिता ग्रंथ में राधा जी के 108 सखियों के नाम लिखा गया ना पढ़ा को भी नहीं पढ़ करके देखो है सभियों के नामों के साथ ऐसे सुंदर सेवा भाव सब लिखा है सबके भाव लिखा है। इसको तो हजारों तो सुखियाँ है एक नहीं कितने जूत कितने ये सब है सुखियों की जूत है क्यों तथापि उसमें 108 राहज की सुखियों के नाम लिखा है। आपको भी नाम होंगे सर एक ही नाम से अनेक सुखियाँ भी है इसलिए कह दे समय हो गया चलो है 2 मिनट रहे यही तो कहते हैं लावण्यमृत धारा तदुपरी स्नान निज लज्जा श्याम पट्ट साठी परिधान कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिकाय वक्षाच्छादन
सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कोरपुर तिने अंगे विलोपन। कितना सुंदर है सौंदर्य कुमकुम साथ तुलना दे रहे हैं, असखियों के जो प्रणय चंदन के साथ तुलना, जैसे चंदन सुशीतल होता है, शीतल होता है सुगंधि भी देते हैं है? उसी प्रकार सखियों की जो है वचन आदि जो है राधा जी की क्या करते हैं हृदय को सुगंधित कर देते हैं और शीतलता प्रदान है। किंतु मान आदि विरह आदि दशा में, मान आदि दशा में वो विपरीत दिखाई पड़ता रहा। राधा जी का सखियाँ कहती हैं हे राधे धैर्य धारण करो है कृष्ण आए, तो राधा जी बिगड़ जाती है, कहते तुम लोग हमारे शत्रु मित्र नहीं है, जाओ यहीं से जाओ है, तुम हमारे शत्रु है। देखो राधा जी बिगड़ जाती है ना, विरह दशा में राधा जी जब मान करके होते हैं तब सखियों के निकट ऐसे भी सखियाँ राधा जी को सुंदर सुवचन आदि के द्वारा सांत्वना देती है, तो राधा जी उसमें और भी उनके मान और चाहे गुस्सा हो जाए कि तुम लोग ऐसे कह करके मुझे भड़काते हो, कृष्ण आएंगे है जाओ तुम लोग, मैं एकांत में रहना चाहती हूँ है। राधा जी किसी को ऐसे ऐसे हो जाए, राधा जी मान करके सबसे खुद को बाहर निकाल देती और एकांत में कुंज के दरवाजे में बस है। और उस समय कृष्ण की चिंतन करते 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 कृष्ण में भी तन्मयता हो जाती है। आज ये समस्त भाव बनना है बहुत सुंदर, इसलिए करे सौंदर्य कुमकुम सखियों की प्रणय चंदन के साधन स्मित कांति मंद मुस्कान जो है अथवा उनकी अंग की जो सुंदर शुभ्र माने सफेद है अंग कांति जो है स्मित कांति उसे कपूर के साथ तुलना दे रहे हैं। अरे कर्पूरवती सखी है उनका, कर्पूरवती सखी जो कर्पूर के सेवा आदि का उसका नाम है, सब एक एक, एक नाम है स्मित कांति है। स्मित मन है अत्यंत जो है मंद मुस्कान करते हुए अत्यंत शुभ्र है भाव जो निकलता है स्मित है। कांति मन छठा है वो कर्पूर के साथ तुलना, जैसे कर्पूर क्या होता है सुगंध भी होता है शीतल भी होता है कपूर में अनेक गुण है। इसलिए जल में एक कण कपूर दिया जाता डाला जाता है ज़्यादा तो तीखा लगेगा है, आज नहीं कड़वा लगेगा सर है। कपूर के कितना देना चाहिए पानी में वेरी एक कण है तो गंदिया ये समझते वहीं पर उस सखी की जो सेवा आदि करते हैं उस सखी के नाम ही के अनुसार है उनके सेवा भी उसी प्रकार है। कर्पूरवती चंदनवती है ये सब नाम से है। ये तीन वस्तु अंगे लेपन अर्थात सौंदर्य अभिरता माधुर्य भूषित कृष्ण उज्ज्वल रहस्य मृगमद कस्तूरी, सखी के नाम है क्या कस्तूरी मंजरी है। देखो कितने सुंदर नाम है कस्तूरी है जो क्या मस्त है हिरण के जो है नाभि में निकलता है वो भी सुगंधी युक्त होता है। और ऐसे सेवा आदि करके जो आदि करते रहते हैं कस्तूर आदि की सेवा आदि करते
है, उस सखी के नाम कस्तूरी मंजरी का है, उनके है। इसलिए समझते जी उनके कायिक गुण मार्दक रूप है, इसलिए कहते कृष्ण के उज्जवल रस मेघमद कस्तूरी है। कृष्ण के उज्जवल रस मेघमद भर से ही मेघमदे विचित्र कलिवर प्रच्छन्न मान धम्म धम्मी लविन्यास धीरा धीरात्मगुण अंगे पट्टभास राग तम्बुल रागे अधर उज्जवल प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगली कज्जल है। कैसे सुंदर अलंकार आदि धारण करते हैं, आज ये मृगमद लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है ये समस्त वर्णन है। प्रच्छन्न मान अंतर में वक्रताभीष्ट और प्रकाश में दक्षिण भाव है, अंदर में क्या होता है वाम भाव और बाहर में दक्षिण भाव दिखाते हैं, भाव अंदर में दक्षिण भाव बाहर में वाम भाव दिखाते हैं। इसलिए प्रच्छन्न मान अंतरी प्रच्छन्न मान वाम धम्मिल विनाश, धम्मिल बने क्या बोलते हैं जुड़ा जिसको कहते खूपा जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं जुड़ा जी है, ये क्या है इसमें तो भाव की सरलता के अभाव वक्रता धारण करे हैं। प्रच्छन्न मान बाम धम्मी लविन्यास धीरा धीरात्मगुण अंगिर पट्टवास राग तम्बुल रागी अधर उज्जवल प्रेम कौटल्य नेत्र जुगली कज्जल। राधा जी आंख में जो काजल लगाती है ये प्रेम की वक्रता धारण करती है, प्रेम कौटिल्य कुटिल्यता है धारण कर, और तांबुल राग के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग आदि धारण करते हैं। इसलिए कह रहे हैं राग तांबुल रागे अधर उज्जवल अधर उष्ट है, इतने उज्जवलता धारण करते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी यही सब भाव भूषण सर्वांगी भरी किलकिंचितादि भाव विंशति भूषण गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगी पूरित सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल प्रेम कौटिल्य रत्न हृदय तरल। ये सब राधा जी की गुण वर्णन है, कायिक वाचिक और मानसिक तीन प्रकार की गुण बता है। सौंदर्यता अभिरूपता और माधुर्य भूषित वर्णन है, कितना सुंदर है। धीरा धीरात्मक अपने प्राणगंध के देखे ऊपर से बहुत सुंदर बात बोलते हैं है? वास्तव रूप में क्या है व्यंगात्मक शब्द होता है। आज प्रातः काल में श्रीमद कृष्ण राधा जी की कुंज में आए मान करने, मान करके क्या कहती है, कहते हैं हे है, महादेव आप अकेले क्यों आए हैं, आपकी पत्नी कहाँ गए हैं। आज ये समस्त आदि शब्द व्यवहार करते, महादेव कहीं एक अकेला नहीं जाते, आप अपने हैं भार्य की पत्नी को छोड़कर के कहाँ गए हैं, ये समस्त आदि शब्द कहते हैं। कृष्ण कहते नहीं मैं कहाँ नहीं गए, वैत नहीं तुम्हारी ये पर ये आलता दिखाई पड़े सिंदूर के दिखाई पड़े, कृष्ण उसको अपने को छुपाने के लिए क्या करने लगे, ये मैं आ रहा था है इतने समय मेरा प्यार फिसल गया
और मैं गिर गया और जाने से जमुना की लाल मिट्टी यहाँ पर लग गई। बोले अच्छा तो ये समस्त जो है अर्थात कृष्ण गत रात्रि में चंद्रावली के कुंज में जो विलास किया उसके समझ जाते हैं। कहते जाओ हे महादेव, आप जाओ अपने पत्नी हैं आपकी सती देवी आपके लिए अपेक्षा है, अपेक्षा करे जाओ। ये समस्त भाव नहा आ जाते हैं। इस समस्त कथा जो बहुत निगुड़ कथा है, है? उज्जवल निर्मल ग्रंथ में एक एक उदाहरण के द्वारा समझा है। प्रगल्भा धीराधरत्म मद्दा मुग्ध प्रगल्भा है, कभी ताड़न भत्सन भी करे, क्रुद्ध होकर ताड़न भत्सन करते, जाओ यहीं से निकाल जाओ, माधव माधव जाई माधव मा बद कही तब, दादाजी गुस्सा गए, जाओ माधव यहाँ से चले जाओ, माँ बद कोई तब तुम्हारी कोई तब जो कपट कथा काम सुनना नहीं है, छल कपट की कथा, अंतर काला बाहर काला, जाओ यहीं से जाओ है। असी तो न सक कई, काले के साथ हमारे कई संबंध नहीं है। दादाजी इतने कठोर हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर के प्रगल्भा क्रुद्ध होकर के तारण परायण होते हैं, और भी मध्य अपूर्ण रसाभिष्ट होकर के कटुक्ति कटुक्ति भी करते हैं, कटुक्ति करते हैं, मुग्धा अल्प दोष परायण के रोती है केवल हैं। आज कोई कई स्त्रियां कैसी होती रोती है, बोलती ज्यादा नहीं है, अपने भाव को कुछ व्यक्त नहीं करते हैं, रोती है, रो रही क्यों है, बोलो तो कुछ, बोलते नहीं। इसको कहा जाता है मुग्धा है। इसमें बहुत है क्या बोले इसको, इसलिए महाभाव उज्जवल चिंतामणि विग्रह सुखी सुखियों के प्रति की जो प्रणय सुगंधित सत्गंध कुमकुम आदि के द्वारा कांति प्राप्त है, इस तो बंद कर दिया है। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ग्रंथ में प्रेमाम्भोज मकरत मकरंद ग्रंथ में वर्णन किया, प्रेमाम्भोज मकरंद नामक ग्रंथ में ये समस्त वर्णन भी किया। उसी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगला में वर्णन कर रहे हैं, बहुत सुंदर ये समय। इसलिए अंत में करें एवं भूत श्रीमती राधिका के मैं बार बार दंत में तृण धारण करके प्रार्थना करता है, वो समस्त भाव मेरे हृदय में प्रकटित हो है। ये कृष्ण जिस प्रकार शरणागत जन के कभी परित्याग नहीं करते हैं, हे श्रीमती राधिका आप भी हमें कभी परित्याग ना करें है। समस्त जो वर्णन यही राधा की और भी तब अच्छा चलो समय वंशाग्रह कृपा सिंधु प्रीतान पावन वैष्णवे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम